काफी करीब आ चुके हैं टीम आईएनडी क्राटोस के पास। सोलो खेल रहे हैं अभी तक, देखना भाइयों क्या होने वाला है। ओआर की टीम वहां पर P7 की टीम के ऊपर जितना प्रेशर क्रिएट कर सकती है कर रही है, और यहां से सीएस की टीम भी प्रेशर क्रिएट कर रही है, और यहां पर काफी अच्छा आइडिया है सीएस के टॉप डॉग को आईएनडी क्रेटोस का, तो ही इज जस्ट गोइंग टू वेट देयर। वो जानते हैं कि वहां से एक अभी निकलने ही वाला है, एंड आई एम गोइंग टू कीप माई आईज ऑन हिम बिकॉज दैट इज वॉट आई एम सपोज टू डू। और क्रेटोस यहाँ पर आकर टॉप डाउन कर दिया एक प्लेयर को, उसी के साथ ट्राई कर रहे हैं पूरी तरह से फिनिश ऑफ करने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे, और वो हील करके अपने आप को अब ट्राई करेंगे जोन में ले जाने का किसी तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ लग रही है अभी मेरे को आईएनडी क्रेटोस के लिए, क्योंकि कोई भी एक क्लियर एंगल नहीं है इनके पास। यहाँ खड़े होकर फेंकना बहुत ज़रूरी है, वरना ग्रेनेड के कनेक्ट होने के चांसेस बहुत कम। और खड़े हुए और फेंका, थोड़ा सा ज़्यादा ओवरकुक हो गया था। प्रेशर में है अभी क्रेटोस, और ट्राई ये ग्रेनेड डेफिनेटली कनेक्ट होने वाला लग रहा है, और अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। यहाँ पर स्मोक्स फेंकने शुरू कर दिए जोन की तरफ, क्योंकि वो जानते हैं कि अब पड़ने वाला है उनके ऊपर प्रेशर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा स्मोक से पहला ब्लॉक करने की ट्राई थी, बट यहाँ पर नॉक कर दिया जाएगा, फिनिश ऑफ पूरे हो जाएंगे क्रेटोस। काफी अच्छी कोशिश जोन के अंदर आने की, बट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और भाइयों भाइयों भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी 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 से एक लाइक जरूर करिएगा विदाउट थिंकिंग मोर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब नाउ इट इज अ 3v3v1 सिचुएशन, तो देखना पड़ेगा, सॉरी 3v4 सिचुएशन इनफैक्ट। और मावी के पास यहाँ काफी अच्छा एंगल है, सो ही कैन बी द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज राइट नाउ फॉर टीम ओआर, जो कि ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं 4v3 में, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। चिकन डिनर यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है थोड़ा सा पास आता हुआ, क्योंकि जोन के बाहर है, और इनफैक्ट सारी की सारी टीम्स ही जोन के बाहर है अभी, तो कुछ नहीं कह सकते। अभी भी सीएस की टीम एक काफी अच्छे रिज को होल्ड करके वेट कर रही है कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस होम। और यहाँ पर अभी भी सीएस के टॉप डॉग वेट कर रहे हो और मावी को अपनी मुंडी दिखाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। स्मोक्स करके यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं जोन के अंदर जाने का, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी, बट जोन के बाहर यहाँ जाना अभी काफी रिस्की हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाइयों, जोन डैमेज बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और इनके पास नहीं है कोई भी तरीके की ड्रिंक्स या फिर पेन किलर या फिर एड्रेनलिन, तो वेट करेंगे धीरे धीरे और ट्राई करेंगे जोन के अंदर जाने का। बैंडेज लगा रहे हैं यहाँ पर, और ओआर की टीम के सीएस टॉरपीडो को नॉकडाउन कर दिया है। नाउ द प्रेशर इज ऑन टीम सीएस, बट सीएस के टॉप डॉग ने बोला है कि भाई वैम्पायर ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम, और एक और प्लेयर को नॉकडाउन करने की पूरी कोशिश थी, बट अब यहाँ पर सीएस की टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और चिकन डिनर हो ले लिया है हमारी ओआर की टीम ने। देख सकते हैं आप लोग जो डोमिनेशन दिखाया इन लोगों ने 17 किल्स लेकर, दिस इज वॉट अ चिकन डिनर लुक्स लाइक। सो वेरी वेरी वेल प्लेड टीम ओआर, उसी के साथ साथ टीम सीएसआई सेकंड नंबर पे 2 किल के साथ। वेरी वेरी वेल प्लेड टीम आईएनडी, 2 मैन का स्क्वाड था, थर्ड नंबर पे ये